नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेब सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड यानी कि उसका क्षमता हम कैसे पता करें और पता करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायर रोप सीलिंग की क्षमता और उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैसे पता करें और कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों वायर रोप सीलिंग की कैपेसिटी निकालने का दो तरीका होता है। पहले तरीके में हम जानते हैं अगर उसके डाया को हम इंच में लें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरे मेथड में हम जानेंगे कि अगर वायर रोप का डाया हम एमएम में लें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पहला तरीका क्या है। दोस्तों इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 8D2। यहाँ पे W जो है वो है लोड इन मेट्रिक टन और D जो है वो है डायामीटर ऑफ रोप इन इंचेज। इसे हम जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हमारा वायर रोप का डाया हाफ इंच है तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और जानेंगे कि इस हाफ इंच के वायर रोप से हम कितने तक का लोड उठा सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डब्ल्यू इज इक्वल टू 8D2, 8 × 1/2² यानी कि हम जो है हाफ इंच के वायर रोप सीलिंग से 2 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हमारे पास 2 टन का मटेरियल है और हमें पता नहीं है कि हम कितने डाया का सीलिंग यूज करें तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला को W इज इक्वल टू 8D2 के फॉर्मूला को ही हम उसमें निकाल सकते हैं कि कितना इंच का सीलिंग हम यूज करेंगे। इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पे हमारा d क्या है, d से हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ W/D, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ W हमारा हो जाएगा, हमें पता है कि वेट हमको उठाना है 2 टन का और उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 से और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हाफ इंच। तो हमें 2 टन तक के मटेरियल को लोड करने उठाने के लिफ्ट करने के लिए हाफ इंच का वायर रोप सीलिंग यूज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल हम जानते हैं दोस्तों, अगर हमारा वायर रोप सीलिंग का डाया 1 इंच है तो भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लोड, उसकी क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू 8D2 8 × 1 × 1 यानी कि 1 इंच के वायर रोप सीलिंग से हम 8 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड है हमारा कि अगर वहीं पे हमारा वायर रोप का सीलिंग का साइज एमएम में है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू 12.4 × D2। यहां पे जो दोस्तों हमारा W निकलेगा वो होता है केजी में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब अगर हमारा इंच में अगर डाया है वायर रोप का तो उसमें जो हम निकालते थे उसमें जो लोड हमारा निकलता था वो डायरेक्ट मेट्रिक टन में निकलता था और यहां पे अगर एमएम में हम ले रहे हैं तो W जो हमारा निकलेगा वो है केजी में। एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे अगर हमारे वायर रोप का साइज 12 mm है तो हमारा लोड कितना होगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे हम W इज इक्वल टू 12.4 × D2 यानी कि 12.4 × 12 × 12 जो कि आएगा हमारा 1785 kg, 1785 kg में आएगा। इसी केजी को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 1.78, यानी कि 1.78 तक का हम माल इसे लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगर हमारा वायर रोप का डाया है 25 mm तो हम कितना मटेरियल इस पे लिफ्ट कर पाएंगे। W इज इक्वल टू 12.4 × D2 यानी कि 12.4 × 25 × 25 यानी कि 7750 kg। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 7.75 metric ton। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको वायर रोप का सीलिंग का SWL निकालने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके पास कुछ और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आ सकूं।